दोस्तों, नए इन्वेंशंस आजकल कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर रोज कई सारी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी मशीन्स दिखाएंगे जो बहुत ही अलग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। बेयर बोन्स आइस कंपनी, ये कंपनी बर्फ बनाने का काम करती है, लेकिन इनका बर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जमी हुई बर्फ के बड़े टुकड़ों को ये मशीन छोटे टुकड़ों में काट देती है, लेकिन ये मशीन उन बर्फ के टुकड़ों को एक ब्लेड के जरिए स्क्वायर शेप में काटती है, जो आसानी से पिघलती नहीं है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यह बर्फ अक्सर बार और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल की जाती है। पी लेजर, ये मशीन इंडस्ट्रियल फील्ड में एक नया इन्वेंशन है, जो मेटल और स्पेयर पार्ट्स क्लीनिंग में काम आता है। ये मशीन लेजर लाइट से क्लीनिंग करती है, जो बाकी क्लीनिंग मशीन से बहुत ही अलग और हटके है। इस मशीन से जो लेजर निकलती है वो सारी गंदगी को जला देती है, जिससे वो मटेरियल बिल्कुल साफ और नया दिखने लगता है। ये मशीन अक्सर चीजों से रस्ट निकालने का काम करती है। दोस्तों, अगली आती है फाइबर लॉक फिलामेंट 3D प्रिंटिंग। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो सच में एक रियल मशीन है, ये कोई एनिमेशन बिल्कुल नहीं है। ये एक रियल 3D प्रिंटिंग मशीन है, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस मशीन में एक प्लास्टिक की रील डालनी होती है, जिसे पिघलाकर यह मशीन इसमें डाला हुआ कोई भी डिजाइन या चीज बना लेती है। इस मशीन में कोई भी चीज बन सकती है, आपको बस इसमें उस चीज के डिजाइन का ब्लूप्रिंट इनपुट करना होता है। उसके बाद यह मशीन बिल्कुल उसी तरह की एक रियल चीज बना लेती है। यह मशीन अभी भी और फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाली मशीन है। बॉटल मेकिंग मशीन, कांच की बोतल बनाने की शुरुआत होती है सैंड, सोडा एशेस और लाइमस्टोन से, जिससे हर कांच की चीज बनती है। इन तीनों को मिक्स करके ये मशीन गर्म कर देती है, फिर उस मटेरियल को ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और एक मोल्ड में डाल देती है। यहाँ इन कांच की बोतल को अपना शेप मिलता है, उसके बाद उन बॉटल्स को ठंडा कर दिया जाता है और फिर उन बॉटल्स का क्वालिटी चेक होता है, जिसके बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो क्या आपने कभी इन बोतलों को बनते हुए देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अब नंबर एक पर आती है 3D प्रिंटिंग मशीन। ये मशीन डिजाइन और स्कल्पचर्स बनाने का कमाल का काम करती है। पूरी तरह से कंप्यूटर से चलने वाली इस मशीन में कोई भी डिजाइन इनपुट करते ही ये मशीन जिस चीज पर वो डिजाइन या स्कल्पचर बनाना होता है उसे स्कैन कर लेती है, फिर वो मशीन उसमें लगे हुए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके वो डिजाइन हूबहू बना लेती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये मशीन इसमें इनपुट किए हुए डिजाइन को किसी भी पत्थर या कॉन्क्रीट के मजबूत ब्लॉक पर भी बना सकती है। है ना कमाल की मशीन, मानो ऐसा लगता हो कि डुप्लीकेट कॉपी बना रही हो। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कमाल की मशीन कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।